हेलो एवरीवन, आज हम लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट्रन और ब्राउज़र की मदद से डेटा कैसे प्रोसेस करना है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले लैब सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद सिलेक्ट द प्रोजेक्ट पर्टिकुलर, जो प्रोजेक्ट में आपको काम करना है। मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करता हूँ। बाद में आपको क्लिक करना है पोस्ट्रन टैब के अंदर। वहाँ पर पोस्ट्रन ब्राउज़र डेटा मैनेजर आपको दिखाई देंगे। हमने आगे के वीडियो में बात की कि डेटा मैनेजर जो है वो पर्टिकुलर डेटा रिव्यू करने के लिए यूज़ होता है, और पोस्ट्रन और ब्राउज़र जो है वो हम इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको क्वालिटेटिव वर्क करना है, क्वालिटेटिव इंटीग्रेशन करना है, तो इसकी पोस्ट्रन की मदद से हम कर सकते हैं। तो पहले पोस्ट्रन ओपन करते हैं। यह हमारा पोस्ट्रन है। पोस्ट्रन के अंदर फाइल एडिट व्यू ये सारे बहुत सारे ऑप्शन है। डेटा एनालिसिस, पीडीए डेटा एनालिसिस, कैलिब्रेशन करो, पोस्ट्रन बैच, डेटा कंपैरिजन, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगी। आप इंटीग्रेशन भी यहीं से कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो डेटा मेथड, रिपोर्ट फॉर्मेट, बैच का ऑप्शन है। पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने जितना भी काम किया होगा, जितना भी आपका डेटा यहाँ पे, जितना भी इंटीग्रेशन किया होगा, जितना वो डेटा यहाँ पे लिस्ट आउट होगा। कभी अगर आपको पूरा डेटा नहीं दिखता है तो सिंपल आप फिल्टरिंग में जाके यहाँ पे क्लियर करके एक बार स्टार्ट कर दीजिए, तो सारा डेटा मेथड, बैच, रिपोर्ट फॉर्मेट यहीं से आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर पर्टिकुलर अगर आपको देखना है कोई डेटा इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो कोई डेटा आप यहीं से ओपन कीजिए। यहाँ पे क्रोमेटोग्राम व्यू टैब है। यहाँ पे नीचे मेथड व्यू, पिक इंटीग्रेशन पैरामीटर का टैब है। यहाँ पे आपका पिक टेबल का टैब है। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है, तो वीडियो के ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप पर्टिकुलर इंटीग्रेशन डेटा कैसे करना है इसके बारे में आप वीडियो प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे कोई डेटा प्रोसेस करना है, तो पर्टिकुलर डेटा को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि सिलेक्ट पीक टू कंपाउंड टेबल। इसकी मदद से क्या होगा कि आपका जितना भी पीक है वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा उसकी आरटी के हिसाब से, रिटेंशन टाइम के हिसाब से। बाद में आप इसका जो पीक नेम है वो पीक नेम यहाँ पे दे सकते हो। यहीं पे आप देख सकते हो उसका रिटेंशन टाइम, एरिया, हाइट, मार्क, कंसंट्रेशन आप देख सकते हो। अगर आपको इस पे ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो टेबल इन्फॉर्मेशन में जाकर टेलिंग फैक्टर, सेपरेशन, पीक वैली रेशियो, हाइट, हाइट परसेंटेज, विड्थ, यहीं से आप ऐड कर सकते हो। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो यहीं से आप रिमूव कर सकते हो। यहीं पे देख सकते हो मार्क, अगर यहीं पे किसी ने मैन्युअल इंटीग्रेशन किया है तो मार्क के अंदर यहाँ पे एम लिखा हुआ आएगा, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि यहीं पे मैन्युअल इंटीग्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है यहाँ पे इंटीग्रेशन टैब के अंदर फिट, स्लोप, ड्रेप, टी डबलिंग, मिनिमम एरिया, आपने सब पैरामीटर सेट कर दिया, आपको लगता है ये सही है, यहीं पर आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको डेटा को सेव करना है, तो यहीं पर ये डेटा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपको प्रोसेसिंग मेथड जैसे बनाना है, तो यहीं से अप्लाई टू मेथड भी आप कर सकते हो। अप्लाई टू मेथड करने के बाद ये पूरा जो डेटा, जो इंटीग्रेशन का आपका पैरामीटर है, वो मेथड पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सारा डेटा आप प्रोसेस कर सकते हो। इसके अलावा आप पर्टिकुलर कोई डेटा को ओपन करना चाहते हो, लॉक करना चाहते हो, इसकी हिस्ट्री देखना चाहते हो, इम्पोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सिग्नेचर करना चाहते हो या रिफ्रेश करना चाहते हो, तो सारे टैब पर्टिकुलर वो डेटा के लिए एप्लीकेबल होगा। आप यहीं से वो पैरामीटर सब देख सकते हो। तो सिमिलर यहीं पे ब्राउज़र है। ब्राउज़र मैंने यहाँ पे ओपन किया है। दोनों विंडो सेम रहेगा ब्राउज़र। हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंटीग्रेशन के लिए ब्राउज़र यूज़ करते हैं। तो आपको सिंपल करना क्या है, क्वांटिटेटिव रिजल्ट व्यू, यहाँ पे मेथड व्यू, कंपाउंड टेबल, क्रोमेटोग्राम व्यू और कैलिब्रेशन कर्व व्यू आप देख सकते हो। पर्टिकुलर मैं कोई डेटा यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो मैंने चार डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया, वो चार डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके सारे नेम यहाँ पे, इंटीग्रेशन सिमिलर पोस्ट्रन जैसा कि आप पोस्ट्रन में कैसे इंटीग्रेशन करते हो, सिमिलर यहाँ पे टेबल टाइम प्रोग्राम है, यहीं से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे क्रोमेटोग्राम भी है और आपका ये कैलिब्रेशन कर्व है, यहीं से आप कैलिब्रेशन कर्व भी देख सकते हो। ब्राउज़र के अंदर आपको पर्टिकुलर डेटा सेव करने से पहले इसका अगर रिजल्ट विंडो चाहिए, तो सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक करके आपका रिजल्ट विंडो पे क्लिक करना है। यहीं पे आप देख सकते हो रिटेंशन टाइम, एरिया, हाइट, मार्क,
स्टेटिस्टिकल रिजल्ट आप देख सकते हो, परसेंटेज आरएसटी कितनी है, एवरेज कितनी है, वो आप डेटा यहीं से ड्रैग करके देख सकते हो। अगर आपको प्रोसेसिंग मेथड बनाना है तो आपको क्या करना है, सिंपल मैं एक डेटा यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। डेटा ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो डेटा का आरएसटी एवरेज प्रोसेसिंग जो आपने किया, ये मैक्सिमम मिनिमम आपका रिजल्ट यहीं से आप देख सकते हो बिना सेव डेटा किए। अगर आपको लगता है ये रिजल्ट ओके है तो यहीं से आप डेटा को रिमूव करते हो। डेटा रिमूव करने से क्या होगा कि आपका डेटा में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सारा जो होगा वो आपके जो मेथड है वो मेथड में एप्लीकेबल होगा। अब आपको क्या करना है, फाइल में जाके सेव मेथड फाइल एज करना है। यहाँ पे आपको नाम देना है प्रोसेसिंग मेथड। प्रोसेसिंग मेथड बनाने से क्या होगा कि पर्टिकुलर आपका जितना भी डेटा होगा वो सारा डेटा आपका एक ही प्रोसेसिंग मेथड से अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे आपने प्रोसेसिंग मेथड बना दी तो सिंपल आपको क्या करना है कि आपकी जो बैच है जो आपने एक्वायर किया था वो बैच को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो मेथड फाइल है वो मेथड फाइल आपको यहीं पे चेंज करना है। जो मैंने यहाँ पे प्रोसेसिंग मेथड बनाया है वो मुझे यहाँ पे रखना है फिल डाउन, और ये सिलेक्ट करके मुझे पोस्टरन बैच को एग्जीक्यूट करना है। इससे क्या होगा कि एक ही प्रोसेसिंग मेथड से आपका 11-15 जितना भी डेटा होगा वो सारा डेटा प्रोसेस हो जाएगा, इसकी प्रोसेसिंग आईडी सेम क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये ब्राउज़र का एक अच्छा सा फैसिलिटी है कि आप प्रोसेसिंग मेथड बना के डेटा को इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आपको प्रोसेसिंग मेथड नहीं बनाना है तो यहीं से आप पैरामीटर सेट करके इंटीग्रेशन करके यहीं से भी आप सेव कर सकते हो, तो सारा डेटा आपका यहीं पे प्रोसेस हो जाएगा। तो ये पोस्टरन और ब्राउज़र के बारे में ज़्यादा डीप में नॉलेज अगर आपको चाहिए तो हम इसके अंदर वीडियो बनाएंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे करना है और इसका सारा जो पैरामीटर है कैसे यूज़ करना है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।